सबसे पहले तो शिक्षण कार्य बाधित हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज एक विशेष प्रायोजन के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि निर्भय सर जी भी बताए और आप सभी के संज्ञान में भी है कि अभी दो दिन पूर्व एक नोटिस जारी किया गया UPPCL के द्वारा कि जो UPPCL की भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी की विद्युत सेवा आयोग के द्वारा संचालित किया जाता था, उसको पूरा किया जाता था, अब उसको उठा के UPSSC को दे दिया गया है कि अब जो भी UPPCL की ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है तो जो ग्रुप बी की भर्ती है AE की वो UPPSC कराएगा, और जो ग्रुप सी की भर्ती है जिसमें JE, TG2, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो क्लर्कियल पोस्ट है और ये सब है, ये अब जो है कि UPSSC कराएगा। तो आप सभी को ये पता है कि विद्युत सेवा आयोग का कार्य प्रणाली क्या है और UPSSC का कार्य प्रणाली क्या है। विद्युत सेवा आयोग जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है आवेदन लेने के बाद, परीक्षा का संचालन संपन्न करके परिणाम घोषित करना और ज्वाइनिंग देना, ये 6 महीना के अंदर अंदर पूरा हो जाता है विद्युत सेवा आयोग के द्वारा, जबकि यही कार्य UPSSC के द्वारा 6 साल में पूरा किया जाता है। उस नोटिस में लिखा गया है कि हम भर्ती प्रक्रिया में सुधार और तेज़ी लाने के लिए UPSSC को दे रहे हैं। तो ये खुद ही आप आत्मचिंतन कर लीजिए कि 6 महीने का समय जल्दी पूरा होता है कि 6 साल का समय जल्दी पूरा होता है। इनका कहना है कि हम जल्दी कर रहे हैं, तो विद्युत सेवा आयोग अपना भर्ती प्रक्रिया 6 महीना में पूरा करता है और UPSSC अपना भर्ती प्रक्रिया 6 साल में पूरा करता है। आप लोग के संज्ञान में होगा कि जो 2013 JE की वैकेंसी थी 2019 और 20 में पूरी हुई थी, जो 2016 की भर्ती प्रक्रिया है अभी हाल ही संपन्न हुई है, और 2018 का भी परिणाम घोषित किया गया है, चल रहा है 2024। तो ये सोच लीजिए कि जिस लक्ष्य को आप निर्धारित करके तैयारी कर रहे हैं, अब उसका भविष्य क्या होने वाला है। सरकार बिल्कुल जो है कि छात्रों के मुद्दा पर निष्क्रिय रही है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, सरकार नौकरी देने के मूड में नहीं है, और एक नया तरकीब इन्होंने निकाल लिया है कि भर्ती तो देना है लेकिन उसको ससमय पूरा नहीं करना है। तो इसके लिए एकमात्र एक ही आयोग है UPSSC, इसको दे दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आएगा आज, एग्ज़ाम होगा 2 साल बाद, परिणाम आएगा 2 साल बाद और ज्वाइनिंग होगी 2 साल बाद। तो UPSSC का जो भर्ती प्रक्रिया होता है वो 6 साल का होता है और विद्युत सेवा आयोग जो है कि 6 महीने के अंतर्गत ये पूरा कर लेता है। जहाँ तक बात पारदर्शिता की है तो UPSSC ऑफलाइन मोड में पेपर कराता है, और ऑफलाइन मोड में कितनी विसंगतियाँ व्याप्त हैं इससे आप लोग भी अवगत हैं। और पारदर्शिता के नाम पे अगर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कोई आरोप UPPCL पे नहीं लगा है। जब भी परीक्षा का संचालन हुआ, एक बार जो UPPCL JE 535 2016 में आई थी, उसका सर्वर प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था और उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, फिर उसका री एग्ज़ाम हुआ था। तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से विद्युत सेवा आयोग अपना भर्ती प्रक्रिया पूरा करता है, परिणाम जारी करता है और 6 महीना के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे देता है। तो इस अधिकार की लड़ाई के लिए हम सभी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज इस चीज़ का विरोध नहीं हुआ, और अगर एक बार UPSSC के हाथ में भर्ती प्रक्रिया चली गई तो सबका भविष्य बर्बाद है, सबका भविष्य अंधकारमय है, कोई मतलब तैयारी का नहीं रह जाएगा। जो छात्र यहाँ पर प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं उनकी मनोदशा क्या है, आप लोग अभी नए हैं तो उस स्थिति से आप लोग अवगत नहीं हैं, लेकिन जिनकी ऊपर बीतता है उनकी मनोदशा क्या है वही भली भांति समझते हैं। तो ये दिन न देखना पड़े, अगर आज इसका विरोध नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सिस्टम में जकड़ लेगा और फिर इससे मुक्ति पा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक तिथि निर्धारित किया है कि इस तिथि को चलकर जो आयोग अपने जिम्मेवारियों से पीछे हट रहा है सरकार के मंसूबे पर, तो उसको हम लोगों को चेताना है। अगर आज इस विरोध को हम लोग आयोग के समक्ष नहीं रखे तो फिर हम लोग इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। तो तिथि निर्धारित की गई है 13 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 10 बजे, स्थान शक्ति भवन। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ,
जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, उसकी तिथि है 13 अगस्त, दिन मंगलवार, स्थान शक्ति भवन, समय सुबह 10 बजे आप सभी को उपस्थित होना है। अब उसमें ये नहीं देखना है कि पड़ोसी जा रहे हैं तो काम चल जाएगा, हम नहीं भी जाएंगे तब भी, ऐसा नहीं है। नौकरी सबको चाहिए, तैयारी आप भी कर रहे हैं, अगर पड़ोसी को नौकरी मिल जाएगी तो आपका जो है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, आपके लक्ष्य जो है कि प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है, ये नहीं है कि सिर्फ ये पुरुष वर्ग के लिए है, जो महिला वर्ग हैं उनके लिए भी है, क्योंकि सबका लक्ष्य है और सबके लक्ष्य के, सबके अधिकार के लिए, सबके भविष्य को सुरक्षित करने की ये लड़ाई है। तो अगर इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़े तो समझ लीजिए कि फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं है और बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर 6 साल भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी 6 साल में, तो 6 साल का समय समय होता है, परिणाम का इंतज़ार करते करते उज्जैनी के कितने लोग शहीद भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ लीजिए। तो इस लड़ाई में आप सभी का सहयोग नितांत आवश्यक है, अगर इस लड़ाई को हम लोग मिल के नहीं लड़े तो फिर इस लड़ाई का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें सबकी उपस्थिति ज़रूरी है। आपको यही सोच के चलना है कि जैसे आप परीक्षा देने किसी अन्य शहर में 1 दिन के लिए जाते हैं, तो 1 दिन के लिए आपको परीक्षा देने के लिए ही मान के चलना है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि आज इसे लड़ा नहीं गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी नहीं देखना है कि गंगा गोमती 10 बजे जाएगी, 11 बजे जाएगी तब हम पहुँचेंगे। अगर आप लोगों के पास सुविधा है तो आप लोग 1 दिन पहले पहुँच जाइए, 12 तारीख को शाम को ही, ताकि 13 तारीख को ससमय आप लोग निर्धारित स्थल शक्ति भवन पहुँच जाएँ और कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। हमने संस्थान से भी आग्रह किया है कि 13 तारीख को सार्वजनिक अवकाश रखा जाए, ताकि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँच सके। आपके मन में ये न आए कि हमारा कोचिंग छूट रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संस्थान 13 तारीख को बंद रहेगा, हमने ऑफिस में भी बोल दिया है। तो आप लोग बिल्कुल सक्रियता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। टेलीग्राम पर ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिससे आप लोग जुड़ जाइए। मैं नाम बता देता हूँ, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा जेई एग्ज़ाम मेगा ग्रुप, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी सूचना का आदान प्रदान है ससमय हो सके। तो इस ग्रुप को एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा जेई एग्ज़ाम मेगा ग्रुप, उस पर ऊपर लिख के आएगा UPPCL धरना प्रदर्शन, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए। और ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो भी आपके साथी हैं उनको आप मोटिवेट करिए, उनको अवगत कराइए कि परिस्थिति ये है, इससे लड़ना नितांत आवश्यक है, और सबको लेके चलिए। 1 दिन की लड़ाई से समझ लीजिए कि सबका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, जो तिथि है 13 अगस्त दिन मंगलवार, सुबह समय 10 बजे स्थान शक्ति भवन लखनऊ। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और इस हक की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, इसी विश्वास के साथ हम सभी को चलना है। ये अधिकार की लड़ाई है, क्या इस अधिकार की लड़ाई में आप लोग साथ देंगे? Yes, sir! अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे? Yes, sir! 13 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे? Yes, sir! चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस जोश से कर रहे हैं, तो हर एक चेहरा जो है कि मुझे याद है और मैं ढूंढूंगा।